वरुण धवन ने कुली नंबर वन में नया गोविंदा बनने की कोशिश की, लेकिन लोगों को उतनी ही शिद्दत से पुराने गोविंदा और ज्यादा याद आ गए। नए कुली नंबर वन में वरुण धवन ने गोविंदा की तरह अलग अलग चेहरे बनाकर कॉमेडी करने की कोशिश की, लेकिन गोविंदा के फैंस तो वरुण से और नाराज हो गए। आखिर वरुण से ऐसी कौन सी गलतियां हुई है कि कुली नंबर वन के रीमेक में वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर हर तरफ जिस तरह के वरुण के मीम्स वायरल हो रहे हैं, उससे साफ है कि लोगों को नए वाले कुली नंबर वन के ट्रेलर में कुछ बातें बुरी तरह खटक गई हैं। अब क्या है वो तीन बातें, ये हम आपको जरा डिटेल में समझाते हैं। पहली बात, गोविंदा के भारी भरकम डायलॉग बोलना बच्चे का खेल नहीं। जी हाँ, गोविंदा के पुराने फैंस और कुली नंबर वन की कॉमेडी के दीवानों को सबसे ज्यादा यही बात अखरी है। ट्रेलर में वरुण धवन भले ही गोविंदा स्टाइल में लंबे लंबे डायलॉग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन डायलॉग को गोविंदा की तरह इजिली डिलीवर कर पाना बच्चों का खेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रेलर में वरुण धवन ATM यानी अंबानी ट्रंप मोदी वाला डायलॉग बोलते हैं तो इस लाइन पर कोई खास हंसी नहीं आती। वहीं अगर आप पुरानी कुली नंबर वन का यही सीन फिर से याद कर ले तो हंसी के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर ये साफ है कि गोविंदा स्टाइल के डायलॉग तो वरुण ने अपने लिए लिखवा लिए, लेकिन बोलने के लिए गोविंदा वाला एक्सपीरियंस, हुनर और अदा वो कहाँ से लेकर आते। लिहाजा ऐसे सीन में वरुण धवन बुरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं। अब वरुण मियाँ की दूसरी गलती भी समझिए। दूसरी गलती, गोविंदा स्टाइल में चेहरे बनाना और बदलना बच्चों का खेल नहीं। आपको याद होगा कि जब गोविंदा कॉमेडी फिल्मों में एक्टिंग करते थे तो उनके जैसे चेहरे बनाने का मुकाबला कोई नहीं कर पाता था। कहते हैं कि हॉलीवुड में जिम कैरी थे तो बॉलीवुड में उनका जवाब गोविंदा थे। सालों की कला साधने के बाद गोविंदा ने ये हुनर हासिल किया था, लेकिन अभी जुम्मा जुम्मा चंद सालों के एक्सपीरियंस के बाद अगर वरुण धवन गोविंदा जैसे चेहरे बनाने की गुस्ताख ही करेंगे तो फिर ऐसे ही कचरा होता रहेगा। यही वजह है कि ट्रेलर में वरुण धवन की अजीबोगरीब शक्लें देखकर लोगों को हंसी कम और तरस ज्यादा आ रहा है। तीसरी गलती, कहानी का कचरा और किरदारों का भी कचरा कर दिया। फिल्म में तीसरी गलती वरुण धवन के डैडी डेविड धवन से हुई है। बेटे को नया गोविंदा बनाने के चक्कर में डेविड धवन ने अपने ही पुरानी स्क्रिप्ट तो उठा ली, लेकिन नए किरदारों में नए लोगों को ठूस कर उन्होंने फिल्म का मजा और खराब कर दिया। आप ही बताइए कि पुरानी वाली कुली नंबर वन में शक्ति कपूर, कादर खान और हरीश की एक्टिंग क्या आप कभी भूल सकते हैं? शक्ति कपूर ने कुली नंबर वन में गोविंदा के साले का किरदार निभाया था, कादर खान ने गोविंदा के शक की ससुर का किरदार निभाया था और वो इस फिल्म की असल जान थे, लेकिन नई वाली कुली नंबर वन में वो केमिस्ट्री एकदम गायब दिखती है। खैर, अब गलती तो हो चुकी है और इस गलती का फुल वर्जन 25 दिसंबर को OTT पर फिल्म के तौर पर रिलीज भी हो रहा है। लेकिन शायद ही कुली नंबर वन के रिमेक को दुनिया कभी भी गोविंदा वाले कुली नंबर वन के सामने याद करना भी चाहेगी। आप क्या सोचते हैं पुरानी वाली कुली नंबर वन और नई वाली कुली नंबर वन की इस लड़ाई पर, जरूर बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।